Hello parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5, Subject GK, Chapter 8, Lecture number 8. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be opened, then you may clear to your related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपकी स्कूल क्लासेस ओपन होंगी तब आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8. थीम हेडिंग ग्रामर एंड लैंग्वेज. चैप्टर हेडिंग आइडम्स. आइडम्स का मतलब होता है मुहावरे. हम हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश में मुहावरों को बोलते हैं आइडम्स. एन आइडम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ फिक्स ऑर्डर दैट हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच अदर. आइडम एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसमें एक सेंटेंस फॉर्म होता है जिसका एक मीनिंग होता है, बट इसके अंदर हर एक वर्ड जो होता है वो अलग होता है, उसके मतलब से अलग होता है. ओके, लाइक एग्जांपल ओवर द मून, चांद तक जाना या चांद के ऊपर या सातवें आसमान में, मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग हुआ एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही खुश होना. ना हम अगर किसी को बोलते हैं कि राहुल तो आज सातवें आसमान में उड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, राहुल आज बहुत ही ज़्यादा खुश है, राइट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मैच द दीज आइटम्स विद देयर मीनिंग. अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं या सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आइटम्स दिए हुए हैं, इनको इनकी मीनिंग के साथ में जोड़ना है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, अ पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक इज द मीनिंग दैट अ वर्क दैट इज़ वेरी ईजी टू डू. पीस ऑफ केक का मतलब बहुत ही आसान है, मेरे लिए ये काम बहुत ही आसान है, हम ऐसा बोलते हैं ना. वैसे ही इंग्लिश में बोला जाता है कि दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही आसान काम है. ओके, सो अ पीस ऑफ केक मीन्स अ वर्क दैट इज ईजी टू डू. द आंसर इज सी, अ वर्क दैट इज ईजी टू डू. नेक्स्ट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट एनी डिले. हम किसी काम को करते हैं तो हम बोलते हैं ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है. वैसे ही इंग्लिश में बोला जाता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, विच मीन्स डूइंग समथिंग और टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के किसी भी काम को फटाफट से कर लेना. नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश. Beat around the bush. It means to fail to come to the important point. हम किसी point को भूल जाते हैं बताना या किसी important point पे आना ही भूल जाते हैं, उस point को cover करना ही भूल जाते हैं, तो उसे English में बोलते हैं लोग कि beat around the bush. Means to fail to come to the important point. Okay? किसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना ही भूल गए या उस पॉइंट को हमने स्किप कर दिया या भूल गए. बर्न द मिडनाइट ऑयल. बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड. जैसे हम बोलते हैं कि किसी काम को करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, वैसे ही एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना मतलब पूरी ताकत लगा देना या सब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, राइट.
वैसे ही इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड. सो आंसर इज बी, टू वर्क वेरी हार्ड. वंस इन अ ब्लू मून, फिफ्थ वन इज वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम देखने को मिलती है या कोई बहुत ही कम बार उसे करता है. ओके, इफ अ पर्सन इज डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी लेस टाइम ही हैज़ डन और वेरी फ्यू टाइम ही हैव डन दैट थिंग, देन पीपल सेज वंस इन अ ब्लू मून. मतलब ये कि जैसे हमारे स्कूल में या हमारे दोस्तों में कोई ऐसा होता है या किसी व्यक्ति के बारे में हम अगर ऐसी बात करते हैं कि यार वो काम बहुत अच्छा करता है लेकिन कभी कभी करता है, तो जो कभी कभी होने वाली चीज़ें होती हैं उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये आइटम यूज़ किया जाता है. वंस इन अ ब्लू मून मीन्स समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, वो चीज़ें जो बहुत कम होती हैं या बहुत कम बार की जाती हैं. टर्न अ ब्लाइंड आई, मीन्स टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स द थिंग व्हेन वी प्रिटेंड और व्हेन वी make other believe that we have not noticed their words or their things. ऐसी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं या हम ये दिखाते हैं कि हमने देख तो लिए लेकिन हमको हमने नहीं देखी, इग्नोर करते हैं, उन चीज़ों के लिए ये आइटम यूज़ किया जाता है. टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स प्रिटेंड नॉट टू हैव नोटिस्ड, मतलब देख के भी अनदेखा कर देना. प्ले इट बाय ईयर्स, प्ले इट बाय ईयर्स मीन्स डिसाइड एज यू गो अलोंग, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे सोचते जाना, मीन्स प्ले इट बाय ईयर्स. कॉल इट अ डे, नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे, मतलब व्हेन वी स्टॉप डूइंग समथिंग और वी हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग विच वी आर डूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और बाय द होल डे, देन वी यूज दिस आइटम, कॉल इट अ डे मीन्स डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए सोचना बंद कर देना या ये समझ लेना कि बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, नाउ लेट्स सी ग्रो विथ डेरिक. द आइटम्स इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स मीन्स दैट इट इज रेनिंग वेरी हैवीली. देयर इज अ आइटम कॉल्ड इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, द मीनिंग ऑफ दिस इज अबाउट द रेन, दैट इट इज अ वेरी हैवी रेन और इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत बारिश हो रही है. फाइंड आउट सम मोर आइटम्स दैट स्टार्ट यूजिंग दैम एंड स्टार्ट यूजिंग दैम वाइल स्पीकिंग इन योर एसेज. नाउ वट डेरिक इज सेइंग टू डू अस, ही सेइंग टू फाइंड आउट सम मोर आइटम्स, ऐसी कुछ और मुहावरे निकालने हैं हमें, ढूंढने हैं और उन्हें कभी हम जब बात करते हैं या क्लास में हम कुछ चीज़ रीड कर रहे हैं या कोई ऐसे वगैरह बोल रहे हैं तो उसमें हम यूज़ करें. ओके, सो दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 8, आइटम्स, लेक्चर नंबर 8. सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे, यू हैव टू लर्न द मीनिंग्स ऑफ दिस आइटम, दीज आइटम्स विच आर गिवन इन द बुक. Mark them in the correct block, like for the first one, a piece of cake, the answer is C,
a work that is easy to do. Second, at the top of a hat is the answer of point number E, to do something immediately without any delay. Third, beat around the bush. Answer is F, to fail to come to the important point. Fourth, burn the midnight oil. Answer is B, to work very hard. Five, once in a blue moon. Answer is D, something that happens very rarely. Turn a blind eye. Sixth, turn a blind eye. Answer is A, pretend not to have noticed. Seventh, play it by ears. Answer is H, decide as you go along. Eighth, call it a duty. Answer is G, decide to stop doing something. So you have to mark the right answers, okay? So this is it for today's lecture. Thank you and have a nice day.